नमस्कार दोस्तों, सुम्मी इज़ यम्मी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए ऐसी एक चटनी की रेसिपी लाई हूँ जिसका स्वाद आपको नानी दादी की याद दिला देगा, बिल्कुल वैसे ही स्वाद जैसा उनके ज़माने में बनाया जाता था। तो इसके लिए हमने कुछ लहसुन लिया है छीलकर, हरी मिर्च और हरा धनिया लिया है, सभी चीज़ों को अच्छी तरह धो लिया है। अब हरी मिर्च को बीच से थोड़ा सा चीरा लगा देंगे, क्योंकि जब हम इसे रोस्ट करेंगे तो ये बहुत उड़ेगा, इसलिए तो अगर कोई खराब हो मिर्च तो आप उसे हटा दें। लहसुन को भी 10 मिनट के लिए पानी में रख देने से काफी आसानी से छिल जाता है। और हरी धनिया को भी मोटा मोटा चॉप कर लेंगे, बारीक चॉप करने की जरूरत नहीं है। इसकी डंडी नहीं हटानी है क्योंकि डंडी में बहुत अच्छी खुशबू होती है। सिर्फ जड़ों को हटाकर मैंने धनिया को धो लिया है अच्छी तरह। अब हम इसे रोस्ट करेंगे, धनिया को छोड़कर बाकी जो दो चीज़ है उसे, हरी मिर्च और लहसुन को। तो इसको रोस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक छन्नी का यूज़ किया है, स्टील की छन्नी है जिसका हैंडल काफ़ी लंबा है और इसमें कोई भी प्लास्टिक का पार्ट नहीं है। इसे डायरेक्ट हम गैस पर इस तरह से रखकर इसमें रोस्ट करेंगे, जिससे कि एकदम ऑथेंटिक टेस्ट आएगा चटनी का। लहसुन और हरी मिर्च अच्छे से भून जाएगी और काफ़ी जल्दी भून जाएगी, और जिस तरह से चारकोल या आग पर भूनते हैं वैसा ही टेस्ट इसका आएगा। तो इस तरह से शेक कर करके आप थोड़ी देर में भून लें लहसुन और हरी मिर्च को। तवा पर भूनेंगे तो टाइम बहुत लगता है तवा गर्म होने में, लेकिन इस तरह से बहुत जल्दी भून जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, क्योंकि इसे डायरेक्ट फ्लेम पर हमने रोस्ट किया है। तो लहसुन हो गया है, अब इसी तरह से हरी मिर्च को भी रोस्ट कर लेंगे। इस समय लहसुन से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है, हरी मिर्च को भी डाल दिया है छन्नी में और इसे लगातार शेक करते हुए भून लेना है थोड़ी देर। जब ऊपर से थोड़ा दाग दिखने लगे भूनने का हरी मिर्च में, तब गैस ऑफ कर देंगे, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है इसे। तो अब हरी मिर्च भी हो गया है, गैस ऑफ कर देते हैं। अब इस चटनी को हम सील बट्टे पर पीसेंगे, जिससे कि इसका स्वाद बहुत ही अच्छा होगा। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन जो स्वाद होता है उसके बाद वो फिर कभी ना भूलने लायक होता है। तो इसीलिए सील बट्टे का यूज़ किया है मैंने। मिक्सी में बनाई हुई चटनी तो हम अक्सर खाते हैं, कभी कभी सील बट्टे में पीसी हुई भी खानी चाहिए, ताकि हमें पता चले कि पुराने ज़माने के खाने का स्वाद इतना अच्छा क्यों होता था। तो ज़रूरत पड़ने पर आप चम्मच का यूज़ करें, क्योंकि हरी मिर्च फिर बाद में हाथ में बहुत जलन करती है। इस चटनी को बहुत बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा सा मोटा ही पीसना है, तो 2 से 3 बार में ये पीस जाएगा आगे पीछे करते हुए। और इसमें हमने अभी पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है, जो धनिया की पत्ती में जो मॉइस्चर था उसी से पीस गया ये अच्छे से। अब इस चटनी को एक बार और थोड़ा सा चला देती हूँ, ताकि ये थोड़ा सा बारीक हो जाए, बहुत बारीक नहीं किया है मैंने। अब ये हो चुका है चटनी, इतना ही मोटा हमें रखना है। तो इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। इस समय मैंने स्पून का यूज़ किया है, बाद में थोड़ा सा हाथ भी लगाना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हाथ लगाने से फिर बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है मिर्च की वजह से। अब इतना सारा जो सिलबट्टे में लगा हुआ है उसे भी निकालने के लिए हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छी तरह पोंछ कर निकाल लेंगे। ये चटनी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, बहुत मेहनत से बनी है इसलिए। तो हल्का हल्का पानी लगाकर पूरा सिलबट्टे से अच्छी तरह मैंने निकाल लिया है चटनी को, और इस समय हाथ का इस्तेमाल किया है तो चटनी को उठाने के बाद तुरंत साबुन से हाथ धो लें, नहीं तो अगर गलती से आपने आँख वगैरह छू दिया तो फिर बहुत जलन होगा।
अब इस चटनी में हम स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे और एक टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल और आधा नींबू का रस। नींबू का बीज निकालकर उसका रस निचोड़ दिया है। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर दें। ये लाजवाब सी चटनी बनकर तैयार है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से भुने हुए लहसुन और मिर्च का। इस चटनी को आप डिनर में चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ परोस सकते हैं। इवनिंग स्नैक्स के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब होता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से ज़रूर बनाएं एक बार, और रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।